हेलो बच्चों, तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं यह इजेट सिस्टम का प्रॉब्लम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो एग्जांपल जो होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है, इसको दो सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं, एक्सिस एंड ट्रांस और दूसरा इजेट सिस्टम। यह जो सिस ट्रांस और इजेट सिस्टम जो नोमेनक्लेचर होता है, तो सिस ट्रांस का हम लोग अलग देख चुके हैं। उसके बाद इजेट सिस्टम में क्या उसका कैरेक्टर होता है, क्या उसका रूल्स होते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे। यह जो दिया हुआ कंपाउंड है, कहता है साइन इजेट कॉन्फ़िगरेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी के लिए जो है सो हमें डिफाइन करना है कि यह किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ई कॉन्फ़िगरेशन या जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल को हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक रूल है, इस रूल के लिए लिखेंगे प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखेंगे कि प्रायोरिटी हम लोग कैसे देखेंगे और प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, इस तरह से। तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन। अब देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो बात करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए कि यहाँ पर जो कार्बन जो प्रेजेंट होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे 1, 2, 3 सिग्मा, 3-1, 2 sp2 और ये कार्बन sp2। अगर हम किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल उस कार्बन की बात करेंगे जो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, उसी दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अब डबल बॉन्ड में भी सेंट्रल जो कार्बन जो होगा, जो डबल बॉन्ड से अटैच होगा उसकी बात करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, ठीक है, तो इसकी कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, यह सेंट्रल कार्बन एटम और ये सेंट्रल कार्बन एटम जो कि दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, इसके हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करेंगे। नेक्स्ट, इस कार्बन पर यह जो ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। इस कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है और ये दोनों के लिए देखेंगे कि कौन जो है, किसका प्रायोरिटी फर्स्ट होगा, किसका सेकेंड होगा। फिर इस sp2 कार्बन से इस यहाँ पर जो ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका प्रायोरिटी देखेंगे, इसका प्रायोरिटी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए कैसे। अब यहाँ पर जो इस sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन पर यह जो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ये इसको प्रायोरिटी देंगे। मतलब यह जो है सो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी या इसको हम हाई प्रायोरिटी भी कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे। देखिए तो अब ये जो है, इस कार्बन पर ये ग्रुप अटैच है और ये, तो जिस कार्बन पर दोनों ग्रुप अटैच है, ये दोनों को प्रायोरिटी देखेंगे। इस कार्बन के लिए इसका हाई प्रायोरिटी और इसका क्या होगा, लो प्रायोरिटी, इसको लो प्रायोरिटी काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इस कार्बन पर आएंगे तो ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में ये ज्यादा जो है, इसको प्रायोरिटी यानी इसको हाई प्रायोरिटी, कुछ और भी रूल है, ठीक है, इसको हाई प्रायोरिटी। अब इसको हाई प्रायोरिटी, इसके बाद इसी कार्बन से अटैच ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसको लो प्रायोरिटी, ठीक है। तो देखिए, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप यदि सेम साइड में हो तो हम क्या लिखेंगे, जेड सिस्टम यानी जेड कॉन्फिगरेशन, ठीक है, यह जो है जेड कॉन्फिगरेशन। यदि दोनों अपोजिट साइड में होता तो ई कॉन्फिगरेशन कहेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो है हम लोग सिस ट्रांस की बात करेंगे, तो सिस ट्रांस में भी क्या था,
सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। तो किसका किसका सेम साइड और किसका डिफरेंट साइड एसपी टू कार्बन से जो अटैच होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जेड, और ऐसे भी जो जेड फॉर्म जो होगा उसको जो है हम लोग समझने के पर्पस से उसको सीस मान लेंगे, ठीक है। और यदि जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको समझने के पर्पस से उसको मान लेंगे ई फॉर, ठीक है, ई जेड सिस्टम, वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहां पर जो था कि दो सिमिलर ग्रुप था, यहां पर जो है सो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होगा। देखिए जो ई जेड सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर हम लोग देते हैं कि जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में है उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में जो नोमेनक्लेचर का दो कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक सीस और दूसरा सीस ट्रांस और दूसरा जो है इजेड सिस्टम। तो सीस में सीस ट्रांस सिस्टम में जब हम कोई एसपी टू कार्बन की बात करें उस एसपी टू कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप का होना जरूरी है, और वो दोनों सिमिलर ग्रुप को हम लोग देखेंगे कि वह सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है। लेकिन यदि मान लिया जाए जैसे सिंपल सी एक इसको ले ले, जैसे मान लिया जाए कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर जो है सो सी एच थ्री है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सी एच थ्री है। तो आप देख लीजिए कि यह जो एसपी टू कार्बन है और ये एसपी टू कार्बन है, इस एसपी टू कार्बन में ये जो मिथाइल ग्रुप है तो ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो दो सिमिलर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों भी सिमिलर ग्रुप है, इसीलिए यहाँ सिस और ट्रांस की हमने बात किया। लेकिन यदि ये चारों के चारों ग्रुप यदि डिफरेंट होता वहां सिस ट्रांस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए नोमेनक्लेचर का एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इजेड सिस्टम दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर ये एसपी टू कार्बन से ये फोर जो है सो डिफरेंट ग्रुप है, तो जब फोर डिफरेंट ग्रुप है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो है सो सिस ट्रांस नहीं होगा फॉलो, यहाँ पर इजेड सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी इजेड सिस्टम में जब फोर डिफरेंट ग्रुप यदि प्रेजेंट हो वहां पर उसको जो है सो हम यूज करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में, ठीक है। तो ये जो है सो जेड फॉर, यहाँ पर जो है सो ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है और ये भी ग्रुप डिफरेंट है, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब नेक्स्ट जो देखेंगे बी में, तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो एसपी टू कार्बन, सबसे पहले एसपी टू कार्बन को देख लीजिए, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, तो एसपी टू कार्बन होगा। अभी इस एसपी टू कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है, एक क्लोरीन वाला और दूसरा मिथाइल। तो अब ऐसे स्थिति में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा इससे, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा इससे, तो यहाँ पर 17, ये कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब ये जो है बनेगा हाई प्रायोरिटी और ये बन जाएगा लो प्रायोरिटी। अभी इसकी बात करें, इस कार्बन पर दो ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल और दूसरा यहाँ पर भी मिथाइल, लेकिन ये जो है मिथाइल है और ये इथाइल है, यहाँ पर सी एच टू है, इसका मतलब है कि इसका प्रायोरिटी जो है ये होगा हाई प्रायोरिटी और ये होगा लो प्रायोरिटी, क्लियर है। तो देखिए तो हाई प्रायोरिटी एक दूसरे का अपोजिट, यानी क्या बनेगा ई फॉर्म या कॉन्फिगरेशन, इसको ई कॉन्फिगरेशन भी हम लिख सकते हैं या ई फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसकी बात करें इस ग्रुप में, तो देखिए इसके ये जो एसपी टू कार्बन, ये भी एसपी टू कार्बन, ठीक है, एसपी टू कार्बन पर ये आयोडीन लगा हुआ है, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और आयोडीन में इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका 53, तो सबसे ज्यादा ये है, तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 53 है, ठीक है, और ये 8 है, तो 53 वाला ज्यादा होगा, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, तो ये जो हाई प्रायोरिटी और ये बन जाएगा लो प्रायोरिटी। इस केस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH2 ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर CH
और यहाँ पर दोनों ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस स्थिति में कैसे इसको करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए सबसे प्रायोरिटी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, तो यहाँ पर यह कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, सेम। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये भी दोनों सेम। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो इसका क्या आ जाएगा, अब या तो ये ले ले चाहे ये ले ले, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, अब इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये जो है सो बन जाएगा हाई प्रायोरिटी और ये बन जाएगा लो प्रायोरिटी। क्लियर है। अब जो है देखिए, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड क्या बनेगा, ई फोर, ठीक है। अब इसकी यदि बात करें तो देख लीजिए, यहां से ये कार्बन और ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि मल्टीपल यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ये जैसे ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, तो इसको हम लिखेंगे हाई प्रायोरिटी और ये क्या होगा, लो प्रायोरिटी। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन और इस ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी ये जो है हाई प्रायोरिटी होगा और ये क्या होगा, लो प्रायोरिटी। तो देखिए, तो हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी एक दूसरे का अपोजिट, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई फोर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सो हम प्रायोरिटी की बात करते हैं कि जो जो भी एटम sp2 कार्बन से अटैच है उसका प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे, और फिर उस प्रायोरिटी में हम लोग ई और जेड फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है आपका जेई नीट लेवल में पूछा जा सकता है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा, बस सकते कि उसका यूज करना हम लोग को आना चाहिए कि कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर।